आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल शुक्रवार को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में आयुष्मान के कई रूप देखने को मिलेंगे। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में वो कभी सीता तो कभी पूजा बनकर लोगों को हंसाते नजर आएंगे। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म का पहला रिव्यू आ गया है और उसे पढ़ने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि पूजा बनकर आयुष्मान खुराना ने दिल जीत लिया हो। आपको बताते हैं कि जिन समीक्षकों ने इसे रिलीज से पहले देख लिया है उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। मार्केट एनालिस्ट और फिल्म समीक्षक तरण आदर्श इस फिल्म को विनर बताया है। उन्होंने इसे 5 में से 4 स्टार दिया है। तरण आदर्श ने फिल्म देखने के बाद आज ट्विटर पर लिखा, आयुष्मान खुराना की ये फिल्म पूरी तरह एंटरटेन करती है। आयुष्मान और अनु कपूर इसमें शानदार दिखे हैं। राज सांडिल्य के निर्देशन में बनी ये फिल्म सही जगह हिट कहती है। इसके अलावा कमाल आर खान ने भी इस फिल्म का रिव्यू दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, क्या फिल्म है, मेरी आंखों को तो यकीन ही नहीं हो रहा, पक्के तौर पर ये ब्लॉकबस्टर फिल्म है। राज सांडिल्य बॉलीवुड के बेस्ट डायरेक्टरों में शामिल होने वाले हैं। शुक्रवार के बाद सभी डायरेक्टर एक्टर्स उनका पीछा करने वाले हैं। आयुष्मान खुराना की ये सबसे अच्छी फिल्म है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पसंदीदा हेयर ड्रेसर आलिम हकीम ने लिखा, मैंने प्रीव्यू देखा, ड्रीमगर्ल ब्लॉकबस्टर है। आयुष्मान, नुसरत की ग्रेट परफॉर्मेंस, शानदार लिखी डायरेक्ट की गई फिल्म, बहुत बहुत बधाई ड्रीमगर्ल की टीम को। एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने लिखा, आने वाले शुक्रवार से डायरेक्टर एक्टर्स राज सांडिल्य का पीछा करने वाले हैं। ये फिल्म 100 करोड़ जरूर कमाएगी, आप सबको पूजा से प्यार हो जाएगा। आयुष्मान, नुसरत, अनु कपूर, मंजोत, गुड लक टीम। मुकेश छाबड़ा ने लिखा, पूजा खुराना तुमने मेरा दिल जीत लिया, ये एक मजेदार फिल्म है, पूरी टीम को बधाई। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि पूजा खुराना तुमने मेरा दिल जीत लिया, तुम्हारे पास मेरा नंबर है, मुझे फोन करना। धड़क फेम डायरेक्टर शशांक खेतान ने लिखा, ये फिल्म बहुत मजेदार और स्वीट है। आयुष्मान खुराना इंडस्ट्री के शानदार एक्टर्स में से एक है, उनकी पसंद सुपर है, फिल्म में वो शानदार दिखे हैं, फिल्म के डायलॉग शानदार हैं जो आपको हंसाते रहते हैं। अगर हम इस फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो आयुष्मान खुराना के फिल्म ड्रीमगर्ल को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। ड्रीमगर्ल के बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई करने की उम्मीद है। इस फिल्म में आयुष्मान सीता से लेकर राधा के किरदार में खूब जचे हैं। फिल्म की कहानी एक बेरोजगार शख्स की है जो नौकरी के लिए कॉल सेंटर में आवाज बदलकर लोगों से बात करता है। आयुष्मान खुराना पूजा बनकर सभी लोगों से बात करते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात नुसरत भरूच से होती है। आयुष्मान नुसरत से प्यार करने लगते हैं। इससे पहले अंधाधुन, बधाई हो और आर्टिकल 15 के जरिए आयुष्मान हर सिनेमा प्रेमी का दिल जीत चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इस फिल्म में वो अपने दर्शकों को कितना हंसा पाते हैं।